वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। आज है 11 सितंबर 2018 और 11 सितंबर 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये था, भारत और किस देश के बीच गगनयान मिशन पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस देश के बीच गगनयान मिशन पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, किसने यूएस ओपन 2018 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों, नोवामी ओसाका ने यूएस ओपन 2000 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, नाओमी ओसाका। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही खबरों में रहे सोलर मामा का संबंध किससे है। तो दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे सोलर मामा का संबंध सोलर पैनल स्थापना हेतु प्रतिष्ठित महिलाओं से है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, 75वें वेनिस फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, 75वें वेनिस फिल्म समारोह में रोमा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन लाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा आपका ए, रोमा। अगला क्वेश्चन, IAAF कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। तो दोस्तों, IAAF कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय अरपिंदर सिंह बन गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, अरपिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 82.64 मिलियन डॉलर का समझौता किया है जिसके तहत भारत 160 रेल कोच की सप्लाई करेगा। तो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के साथ 82.64 मिलियन डॉलर का समझौता किया है जिसके तहत भारत 160 रेल कोच की सप्लाई करेगा। आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किसने इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन तकनीक पर एक नीति लाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन तकनीक पर एक नीति लाने का ऐलान किया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन तकनीक पर एक नीति लाने का ऐलान किया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान लॉन्च किया गया है। तो समुद्र को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशन क्लीनअप के नाम से लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा आपका ए, ओशन क्लीनअप। हाल ही में समुद्र को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशन क्लीनअप लॉन्च किया गया है। मात्र 24 वर्ष के बोयान इस प्रोजेक्ट पर 8 साल से काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा की जगह किसे बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा की जगह अमिताभ चौधरी को बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा की जगह हाल ही में अमिताभ चौधरी को नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी 2019 से अपना पदभार संभालेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के 3 सरकारी बैंकों पर किस बैंक ने घोटालों के समय एक्शन नहीं लेने पर और रिपोर्ट नहीं करने पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, भारत के 3 सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों पर घोटाले के समय एक्शन नहीं लेने पर और रिपोर्ट नहीं करने पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के 3 सरकारी बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर घोटालों के समय एक्शन नहीं लेने पर, रिपोर्ट नहीं करने पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 2,000 रुपये, 200 रुपये और इससे कम मूल्य के कटे फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव किया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये, 200 रुपये और इससे कम मूल्य के कटे फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2,000, 200 और इससे कम मूल्य के कटे फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्वदेशी अंतरिक्ष सूट तैयार किया है? तो दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने स्वदेशी अंतरिक्ष सूट तैयार किया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, इसरो। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष सूट तैयार किया है। ये स्पेस सूट वर्ष 2022 के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए करीब 2 साल में तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से 18,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से 18,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से 18,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, 10 सितंबर से पुणे में शुरू होने वाले बिम्सटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास में किस देश ने अपनी सेना को भेजने से मना कर दिया है? तो दोस्तों, 10 सितंबर से पुणे में शुरू होने वाले बिम्सटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास में नेपाल ने अपनी सेना को भेजने से मना कर दिया है। आंसर हो जाएगा डी आपका, नेपाल। 10 सितंबर से भारत के पुणे में शुरू होने वाले बिम्सटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास में नेपाल ने अपनी सेना भेजने से मना कर दिया है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा है कि सैन्य अभ्यास को लेकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं में असंतोष होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम मोबिलाइज योर सिटी MYC के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम मोबिलाइज योर सिटी MYC के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मोबिलाइज योर सिटी MYC के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर और भारत के हरदीप सिंह पुरी ने हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अपनी 17वीं सालगिरह पर सैन्य परेड निकाली है? तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अपनी 17वीं सालगिरह पर सैन्य परेड निकाली है। आंसर हो जाएगा आपका सी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपनी 17वीं सालगिरह पर सैन्य परेड निकाली है। इस सैन्य परेड में कुछ मिसाइलें दिखाई गई हैं जो कि अमेरिका के मुख्य भूभाग पर वार करने में सक्षम है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों, आज की कुछ का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पंजाब ने किस राज्य के साथ 2,793 करोड़ रुपए की लागत वाले शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए, गुजरात, बी, राजस्थान, सी, जम्मू कश्मीर, डी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये था 11 सितंबर 2018 का करंट अफेयर्स, जो कि SSC, बैंक, रेलवे यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, इस टाइप का जब आप इसे ऑन करते हैं
तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।